मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। कल सुबह अतारुद आपके सितारे से टकराएगा। अगर आपने आज के आज सफर ना किया ना, तो कयामत आ जाएगी। मगर तारा बाबा, मैं इतनी जल्दी आज के आज आऊं कहां? ये ले, इस्लामाबाद का रिटर्न टिकट। ये आप रिटर्न टिकट जेब में लेके घूम रहे हैं? बच्चा, तारा बाबा ने अपने इल्म से जहाज को अभी अभी खाली करवाया है और टिकट बुक करवाया है। समझ में नहीं आ रही अपने बात भाई। अरे गुलाम, अगर आप इतने समझदार होते तो आज तारा बाबा की जगह पर बैठे होते ना। अरे इल्मी बातों का इनको क्या पता। बस सितारे टकरा तो टकरा, इनको क्या नुकसान तो आप ही का होगा ना। मैं तो कहता हूँ फटाफट आप जाने की तैयारी करें। जी ये बात तो है, मैं जाती हूँ फिर। कहाँ जा रही है पापा की टाइम ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट फीस? हाँ हाँ, वो भी दे देंगे भाई। माफ कीजिएगा, ये कौन? ये तारा बाबा की चांद गाड़ी की एयर होस्टेस है। अगर ये तारा बाबा की चांद गाड़ी की एयर होस्टेस है तो मुझे पायलट रख लें। जिस दिन हमें अपनी गाड़ी क्रैश करानी होगी ना, आपको पायलट रख लेगी। अच्छा भैया, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग। मेरा ख्याल है कि मैं चलती हूँ। देखिए, फीस के अलावा टिकट चार्जेस भी हैं। वो भी अपने इल्म से अदा कर दें। अच्छा, इल्म से सिर्फ मसाइल का हल होता है, अदायगी तो लोगों ने खुद करनी होती है। जी जी जी। गुलाम जी, जी जी मैं तैयारी करने के लिए अंदर जा रही हूँ अपने कमरे में। जी जी। आप ऐसा करें कि अलमारी में से 25,000 रुपए निकाल के तारा बाबा को दे दें। जी जी। आप कुछ ज्यादा पहुंचे हुए नहीं है भाई। जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले तो बनाएंगे। ये तो अच्छा हुआ आपका आखिरी टिकट भी बिक गया। हेलो भाई, कमीशन मेरा रेडी कर ले। तेरा आखिरी टिकट भी बिकवा दिया? हाँ हाँ, आ रहा हूँ यार, मजा आ गया साथ। मम्मी जी गई। अबे यार लड्डू। ये अच्छा हुआ कि यार हम एयरपोर्ट वक्त पे पहुंच गए, वरना बेगम की फ्लाइट मिस हो जाती तो क्या होता, अतारुन के सितारे से टकरा जाता। अबे यार बात सुन यार, ये जो तारा बाबा है ना यार, ये किस तरह लोगों को बेवकूफ बना बना कर पैसे बटोरता है, मेरी बेगम को जैसे बेवकूफ बना रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात वो बिल्कुल ठीक करता है। क्या? वो ये कहे जब तक बनने वाले मौजूद हैं तो बनाने वाले तो बनाएंगे। लड्डू एक बात जहन में आ रही है, क्या हम भी तारा बाबा की तरह लोगों को बेवकूफ बना बना कर पैसे बटोर सकते हैं? क्यों नहीं सुसर जी, आपको तो देख के ही लगता है कि आपके अंदर 200 साल पुराना बाबा बसता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपके इल्म और तजर्बे की बात कर रहा हूँ। हाँ देख ले, मैंने कभी गुरूर नहीं किया। इस पे गुरूर बनता भी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जब तक मम्मी जी इस्लामाबाद में है तो क्यों ना हम अपना कमाई का रास्ता, मेरा मतलब है आस्ताना, खोल ले। एक बात है, ये आस्ताने का जो सामान होता है ना, उसका इंतजाम कैसे होगा यार? अरे सुसर जी, बड़ी फिक्र की आपने लड्डू के होते हुए। आपसे कितना बताइए कि जो भी कमाएंगे आधा आधा होगा ना। यार हमेशा ही हुआ है आधा आधा यार। तो आप फिक्र ही ना करें, मैं यूं गया और इंतजाम करके यूं ही वापस आया। आ जाना यूं। अरे यार वाह 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 वाह। ओए कैसे है तू? ले आया सामान। पूरा सामान है, कब करेगा वापस? तो फिक्र नहीं कर, तुझे मिल जाएगा, अभी तू निकल ले, भाग जा। अबे यार लड्डू, ये तो कमाल हो गया यार। सुसर जी कमाल तो भी होगा, मैंने पूरे इलाके में ये खबर फैला दी, हमारे यहाँ बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग आए जिनके पास हर मसले का हल है। ओ हो हो, ओ भाई हो, कम कम डालो यार, बहुत खर्चा कर रहे हो तुम। लड्डू जी 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 लड्डू तुम कहाँ,
ये बुड्ढा कौन है? ये बुड्ढा आपका बाप है। मेरा मतलब है कि ससुर जी, पापा जी है, पापा जी। पापा, आपको क्या हो गया ये? ये इनको कुछ नहीं हुआ, तारा बाबा ने कहा है मम्मी जी को सांबा जाने के लिए और ससुर जी को घूंघट करने के लिए। नहीं, घूंघट नहीं किए, ये ना व्रत कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं। हाँ, वरना की जान को खतरा हो सकता है ना, तो ऐसा तारा बाबा ने कहा। लड्डू, मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। यकीन तो हमें भी नहीं है, मगर हमने सोचा कि इसी बहाने हमारी कुछ कमाई का जरिया भी बन जाएगा और मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आऊंगा ना। सच में लड्डू, तुम मेरे लिए तोहफे लाओगे? हाँ ना हनी, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आऊंगा, बस एक बार बनने वाले मिल जाएं। बनने वाले? क्लाइंट। अच्छा लड्डू, तुम परेशान मत हो, मैं काम करती हूँ, मैं जाती हूँ जाके इसकी अच्छे से मार्केटिंग करती हूँ। हाँ, हैशटैग बाबा जी, हैशटैग हर मसले का हल। हाँ वो ही, हैशटैग बाबा जी, अभी तक कोई क्लाइंट नहीं लगा, हैशटैग क्लाइंट। लड्डू, कोई क्लाइंट मिला क्या? वो कोई APFA, उसके सदर है। ये APFA क्या है? मुझे क्या पता, उन्होंने कहा कि कोई इदारा उसके सदर होंगे ना। अच्छा, सदर है। अच्छा तो, मगर एक और बात, उन्होंने कहा कि मैंने अभी जो कपड़े पहने वो कपड़े पहन के मैं तुम्हारी तरफ आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता, मतलब कोई मसला तो नहीं है, तो मैं क्या कहूँ उन्हें? मैं जाती हूँ और जाके भी बोलती हूँ। मैं आ रही। अबे यार ससुर जी, कपड़े लगता है कोई सोने की तार के बने हुए कपड़े हैं, अगर वो कपड़े हमारे हाथ लग जाए ना तो हम माला माल हो जाएंगे। कपड़े जला के सारा सोना हम निकाल लेंगे। लड्डू लड्डू, मुझे लगता है कि इस क्लाइंट के बाद हमें दूसरे क्लाइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगता है कोई शाही पोशाक पहनकर आ रहा है, सोने की तार से काम हुआ हुआ होगा। ससुर जी सोचे, अगर वो कपड़े ही हमें मिल जाएं तो हम माला माल हो जाएंगे। आ गया, आ गया, आ गया। अरे ससुर जी, ये पकड़े, इसको जलाए, माहौल बनाए, माहौल बनाए। आपकी तारीफ। अरे ससुर जी, यही है वो। मगर वो APFA, वो सदर, वो अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के करम से ऑल पाकिस्तान फुकरा एसोसिएशन से ताल्लुक है मेरा, सदर हूँ मैं उसका। हाँ, ये यही वो सदर। रख लें कपड़े, पहुंच जाएंगे कहीं, हो गए माला माल। फोन किसका फोन है? बच्चा मेरा बज रहा है, मेरा फोन बज रहा है। हेलो, क्या जेरा के आदमियों ने तुम्हारे सिग्नल पे मांगना शुरू कर दिया? सबर कर बच्चा, अभी बताता हूँ। अरे देखे ना SSP साहब, ये हमारे सिग्नल पर आकर मांगना शुरू कर दिया है चेहरा के आदमियों ने, हम अपनी भीख कहाँ मांगे, यहीं से तो कुछ गुजारा होता है, बाकी तो सारे सिग्नल भूखे कराची के, एक सिग्नल बचा था यहाँ पर भी उनकी गंदी नजरें, कुछ कीजिए खुदा का वास्ता, कुछ कीजिए, हमारे गरीब भिखारी कहाँ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, जल्दी। सॉरी जनाब, माजरत के साथ, थोड़ा शेड्यूलिंग प्रॉब्लम थी। ये बताए भाई, बाबा कहाँ है? तो ये रहे बाबा। मैं पायलट नजर आ रहा हूँ बच्चा, क्या मसला है तेरा? बाबा आप जैसे पायलट होने लगे तो सारे जहाज गरज ही होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा, मुझे आप जैसा ही ढोंगी इंसान चाहिए जो मेरे कहने पर चले। मैं आपको ऐसी जगह दूंगा जो आप पर सूट करेगी, एक महीने की तनख्वाह भी दूंगा, लेकिन करना वही होगा जो मैं कहूंगा। हमसे भीख मंगवाएगा बच्चा? देखे ना बाबा, मैं आया तो अपने काम से था, लेकिन इंसान का चेहरा देखकर अंदाजा कर लेता हूँ कि ये कौन से हुनर का मास्टर है और मालिक है। तुम बताओ करोगे काम? निकालो इसे बाहर, निकालो, चल निकल 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 यहाँ से। हाँ, हमसे बचाओ, हमसे। बाबा को हल्का मत लेना, बाबा के बाद तेरे बाबा से ज्यादा खतरनाक जिन्नात है जो तोड़ फोड़ कर देंगे। एक हफ्ते से नहाया नहीं हूँ, नहाना फर्ज हो जाएगा तेरे पे अगर मुझे टच किया तो। कंगला समझा मैं बाबा का सूट बूट देख कर। अल्लाह के करम से कराची से हैदराबाद तक 12,000 भिखारी काम कर रहे हैं, एक घंटे के अंदर 20,000 रुपए की अभी चलती है। कमजोर हो कंगला मत समझना। ये ले बाबा,
ये मेरा कार्ड है, ये रखना। फोन कर लेना मुझे, कहां से कहां पहुंचा दूंगा आपकी सोच है। निकालो जी, निकालो। अल्लाह के नाम पे बाबा को रोटी खिला दे इधर बंगले में। अबे यार, कार्ड रख लो, पता नहीं। यार अब क्या हम भीख मांगेंगे, ये वक्त आ गया हम पे। जी पहली बार किसी ने आपका हुनर पहचान कर ना आपको नौकरी की ऑफर की, आपने वो भी ठुकरा दी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, बस हम आपका इंतजार करें, जल्दी से आ जाइए। खुदा हाफिज़। क्लाइंट मिला क्या? क्या मतलब है? मतलब मेरी कोई फैक्ट्री है क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे मिलेगा बता दूंगी। मतलब एक और कोई क्लाइंट? एक है, एक आंटी है, वो आने वाली, बस दुआ करो जल्दी से आ जाए वो। पक्का? कोई शक है क्या? मेरा मतलब है वो पिछले क्लाइंट की तरह ना हो ना। मतलब बस बस बार बार का ऐसा नहीं होता। अच्छा सुनो ना, तुम एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से मेरे कप चाय लेके आ जाओ प्लीज। हाँ मैं बस यूं ही गया और यूं ही आया चाय का कप लेके। जल्दी आना जा। बोल बच्चा, क्या ख्वाहिशात? बाबा मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बहू की तरफ से, मैं आपको बताती हूँ। बस हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहू एक नंबर की कामचोर है, बदतमीज है, और तुम्हारे बेटे को अपने कब्जे में कर रखा है। साफ लफ्ज में कहा जाए तो चुड़ैल है, चुड़ैल। वाह बाबा वाह, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप तो वाकई में बाबा बन गए। बस बाबा मैं चाहती हूँ आप उसका काम तमाम कर दें। खबरदार बच्चा, हम बाबा हैं, कोई गुंडा दादा नहीं है। हम यहाँ पे आस्ताना चला रहे हैं, कोई गैंग नहीं चला रहे। बाबा जी कुछ भी करें, मैं चाहती हूँ वो चुड़ैल मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मैं तस्वीर भी साथ लाई हूँ। अंडा हाफ फ्राई करके सुबह उसको खिला देना। ठीक है बाबा जी। लाओ बाबा जी का नजराना, उनकी फीस। बाद में हिसाब करेंगे। मैं चलती हूँ। बाद में कर लेंगे भाई डॉक्टर, बाद में करेंगे साहब। हनी आपकी गर्मा गर्म चाय। अच्छा लड्डू जल्दी से जाओ तैयार हो जाओ, एक और लेडी आ रही है। जबरदस्त, ये तो आपने कमाल कर दिया हनी। अरे भाई कमाल तो तब होगा जब तुम मेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट लेकर आओगे। हाँ वो मैं क्लाइंट डील कर लूँ। हाँ अरे क्या हुआ, आप लोग परेशान क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। तुम बताओ तुम किस लिए आई हो? बस क्या बताऊं, मैं अपनी सास की वजह से ना बहुत परेशान हूँ। बस हम समझ गए, तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान हड्डी बनकर आ जाती है और चाहती है कि तुम्हें जान से मार दे। वाह 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 बाबा आप तो कमाल है। कमाल नहीं, गुलाम है। गुलाम? हाँ गुलाम, बराए अवाम।
बस बाबा मैं चाहती हूँ आप मेरी सास को ना कहीं दूर भेज दें। अच्छा, मैं बाबा हूँ, कोई ट्रेवल एजेंट नहीं, और वैसे भी हम एक वक्त में एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है। हे? वो कैसे? मेरी सास अभी थोड़ी देर पहले आई थी और वो तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती है, इसलिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट देके गई है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को ना मुंह मांगे पैसे दूंगी, दुगनी दुगनी रकम दूंगी मैं। लेकिन बाबा जी नजराने का टोकन ले चुके हैं। बच्चा, कोई और दुख है तो बताओ। कितने दुख है जिंदगी में, अब क्या क्या बताऊं। हाँ बच्चा, बाबा के इल्म के मुताबिक तुम्हारे शोहर की हरकतें कुछ मशकूक हैं। वो कैसे? दूसरी औरत का चक्कर। हे अल्लाह, मुझे तो पहले ही शक था वो ऐसे सारी सारी रात घर नहीं आता, आधी आधी रात कोर्ट के घर से चला जाता है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं लुट गई हूँ। खामोश, यहाँ कोई जलसा नहीं हो रहा जो तुमने तकरीर शुरू कर दी। हम तुम्हें इसका हल बताते हैं। बताएं बताएं। बाबा का नजराना, उनकी फीस। अपने शौहर के सारे कपड़ों में ये प्याज काट के रख दो और उस पर सख्त नजर रखो। जी, शुक्रिया। अबे यहाँ। ससुर जी। वाह यार वाह। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। आपके पास इतना इल्म कहाँ से आ गया? याद नहीं। तारा बाबा क्या कहते हैं? जब तक बनने वाले मौजूद हैं तो बनाने वाले तो बनाएंगे ना। सर जी। अरे यार वाह 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 यार लड्डू। अबे यार रख ले, इस काम में तो बड़ी पैदा है यार। सही कह रहे हैं सर जी आप, बहुत पैसा है मेरे ख्याल है आज के दिन के लिए, बहुत है। अरे यार मैं तो कहता हूँ 10,000 करके 1,90,000 हो चुके हैं, और वो भी दो दिन में। तो एक काम करते हैं, एक क्लाइंट और ले लेते हैं, पूरे 2,00,000 रुपए हो जाएंगे। बुला लो, है ना? बुला लो। देख देख जाके देख, कोई आया है, कोई आया है, कोई शिकार आया है। अस्सलाम वालेकुम। छापा मारो जी, क्या छापा? नहीं 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 बाबा जी, सर जी नहीं, वो ये भी हमारे क्लाइंट ही हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, मदद चाहिए। अच्छा बताओ बताओ क्या मसला है बाबा जी? वैसे तो सारी दुनिया हमसे डरती है, लेकिन इस दुनिया में ना एक हस्ती है जिससे हम डरते हैं। पूछो कौन? कौन? हमारी बीवी। कोई मसला नहीं है बच्चा, ऐसी खुद कर बीवियों का इलाज है बाबा के पास। बाबा जी मैं ना बहुत तंग आ गया अपनी बीवी से, हमेशा शक करती रहती है मुझ पर। आप भी तो हर बंदे पे शक करते हैं, तो बगावत अमल भी तो कोई चीज होती है। ये कौन है आपका? लड्डू, मुरीद, खादिम, चेला, ये सब कुछ है। शुक्र है आपका मुरीद है, वरना इसके बाद ना कैद में होता कैदी। बुरी बात बेटा, इनकी इज्जत करो अगर काम करना है तो। खैर बचाओ, आगे बताओ क्या हुआ। बाबा जी हमारे काम की नौयत ही ऐसी है कि रात को 3 बजे कॉल आ जाती है ऑफिस से कि आ जाओ छापा पड़ रहा है, आ जाओ ऑपरेशन पे जाना है, आ जाओ रेट पे जाना है, आ जाओ यहाँ जाना है, आ जाओ वो आ जाओ। और मेरी बीवी समझती है कि मैं किसी लड़की से मिलने गया हूँ। ये तो बहुत मसले वाली बात है।
बाबा जी एक बात बोलूं, मेरी बेगम ना किसी ढोंगी बाबा के पास जाती है, वो उसको ना उल्टे सीधे राग पाठ पढ़ाता है। फिकर ना कर बच्चा, हम जैसा हर कोई नहीं होता, हम तुम्हारे मसले को हल करेंगे बच्चा। वैसे बाबा जी एक बात बोलूं, बुरा ना मानिएगा, कहना कि वो पहली दफा किसी बाबा जी के पास में आया हूं, तो इजाजत है एक बात पूछ सकता हूं आपसे? हां हां बोलो बच्चा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप भी ढोंगी निकले ना तो आपकी जो बाकी जिंदगी ना जेल के सलाखों के पीछे गुजरेगी। देखो बच्चा मामले तो अल्लाह की मर्जी से हल होते हैं, हम तो सिर्फ वसीला बनते हैं या थोड़ा बहुत इल्म इस्तेमाल करते हैं। अरे तुम फिक्र ना करो बच्चा, ये देखो हमारे क्लाइंट की कितनी बड़ी फहरिस्त है, ये देखो आज तक किसी को शिकायत नहीं हुई। देखो देखो देखो, ये अइला ससुर जी, ये बदबू कहाँ से आ रही? अबे तस्वीर कहाँ से आई? तस्वीर नहीं बदबू। अबे ट्यूबलाइट, मैं इस तस्वीर की बात कर रहा हूँ। बच्चा ये तस्वीर इसी की सास लेकर गई थी, और मजे की बात ये है कि थोड़ी देर के बाद इसकी बहू भी आ गई, और वो अपने शौहर से तंग थी, लेकिन अब वो खुश है हमारे मशवरे से। अबे 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 मेरी बीवी है। क्या? अबे साले ढोंगी बाबा, वो तू है तो मेरी बीवी को राग पाठ पढ़ा के मेरी सारी जिंदगी हराम कर दी थी, और तुझे बताऊं बदबू कहां से आ रही थी? वो इन प्याजों से आ रही थी जो इस ढोंगी बाबा ने मेरी बीवी को दिए थे मेरे कपड़ों में रखने के लिए। बगल तक मेरी बदबू अंदर, पता नहीं क्या कहते उसको, अंदर घुस गई थी। चार चार कोसे दूर थे, लोग मुझसे बाहर भाग रहे थे। अब याद आया तुझको? मुझे सिखा देते कहा चले गए। तू बेटा जेल चल, तुझको जेल में सिखाता हूँ गायब होने वाला इल्म। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां के घर का मां।